और हमारे YouTube चैनल श्री साई कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। टुडे वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो संस्कृत ऑब्जेक्टिव। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में अपन संस्कृत के क्लास 10th का पेपर होने वाला है 3 मार्च को, 3 मार्च 2020 क्लास 10th का संस्कृत का पेपर होने वाला है। ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे संस्कृत के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जितने ऑब्जेक्टिव्स बताऊंगा, टोटल ऑब्जेक्टिव्स आपके 25 मार्क्स के आते हैं, तो 25 मार्क्स में से मैं आपको इस वीडियो में 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव कवर करवाऊंगा। दोस्तों 20 में से कम आपके 20 में से 19 या टोटल 20 मार्क्स आपको पूरे के पूरे कवर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, 5 मार्क्स का जो आता है धातु रूपाणी, वो मैं इस वीडियो में आपको नहीं पढ़ाऊंगा। आइए देखते हैं कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए पहला ऑब्जेक्टिव संधि से पूछा जाएगा आपका, संधि से पूछा जाएगा, तो संधि से 4 नंबर के ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। ठीक है, तो पहला बोला गया है परोपकार इत्यस्मिन पदे संधि अस्ति। तो परोपकार में कौन सी संधि होती है दोस्तों? तो परोपकार में संधि होती है आपकी गुणस्वर संधि। अगला बोला गया सत प्लस शील क्या होता है? तो जब त और श मिलता है तो बनता है सच्चिल। तो दूसरे वाले में ऑप्शन होगा आपका सच्चिल करेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद अगला पूछा गया पुरोहित इत्यस्मिन पदे संधि अस्ति। तो पुरोधनहित, तो इसमें विसर्ग संधि होगा दोस्तों। सदा प्लस एव इत्यस्मिन पदे संधि अस्ति, तो इसमें होगा आपका वृद्धिस्वर संधि होगा। दु प्लस आत्मा बराबर बनेगा आपका दुरात्मा। भानुदय में होगा, भानुदय में कौन सी संधि है? तो भानुदय, भानु प्लस उदय बनेगा आपका दीर्घ स्वर संधि। पहले वाला हरे धन अव कौन सा है आपका? तो हरे हरे अव में बनेगा हरे धन अव। चित प्लस आनंद बनेगा आपका चित्तानंद। नमस्ते में आपकी विसर्ग संधि है तत प्लस लीन, तल्लीन बनेगा मनरथ, ये आपका मनोरथ बन जाएगा, विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है। महाधन इंद्र तो गुण संधि, निश्चल बन जाएगा आपका स वाला, सॉरी द वाला बनेगा निश्चल, इसमें द वाला ऑप्शन करेक्ट होगा आपका निश्चल। उसके बाद दिग्गज में आएगा व्यंजन संधि, क्योंकि इसका संधि विच्छेद जो होता है दिक प्लस गच। विसर्ग संधि किसमें होगी? तो नमस्ते में विसर्ग संधि होगी। अत्याचार आपका यण संधि का एग्जाम्पल है, तल्लीन व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है, विसर्ग संधि आपकी मनोरथ में होती है, महाधन औषधि महौषधि होता है, और एक एक में आपका एक प्लस एक इसमें वृद्धि संधि होगी दोस्तों। ठीक है, ये इस प्रकार से मैंने आपको टोटल 20 ऑब्जेक्टिव बताए संधि से रिलेटिव। अगर ये 20 ऑब्जेक्टिव आप पढ़ लेते हो, और दो चार ऑब्जेक्टिव और बता देता हूं मैं आपको। उत प्लस चारणम होगा आपका उच्चारणम, तव लकार होगा आपका तव प्लस लकार, व्यंजन संधि का एग्जाम्पल होगा आपका तट्टी का, और यण संधि का उदाहरण होगा आपका इत्यादि। जगदीश की संधि विच्छेद होगी जगत प्लस ईश। तो इस प्रकार ये पढ़ लेते हैं आप लोग, जो ऑब्जेक्टिव मैंने बताया जगत प्लस ईश, ये ऑब्जेक्टिव अगर आप पढ़ लेते 25 ऑब्जेक्टिव, तो 25 में से 4 नंबर आपके कंप्लीट हो जाते हैं। संधि के बाद अगली चीज आती है आपका समास, अगली चीज आती है समास, समास। ठीक है, तो समास से ऑब्जेक्टिव देखते हैं अपन, समास से कितने नंबर के ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। समास से आपके ऑब्जेक्टिव जितने भी पूछे जाते हैं वो मैं आपको पढ़ा देता हूँ। आइए देखते हैं, पहला बोला गया अव्ययी भाव समास का एग्जाम्पल बताइए, अव्ययी भाव समास का एग्जाम्पल बताइए। ठीक है, तो अव्ययी भाव समास पहले में आएगा, अव्ययी भाव में पहला पद जो होता है वो अव्यय होता है, तो इसमें अव्यय आपका पंचपत्रम नहीं होगा, घनश्याम नहीं होगा, अनुरूपम अनुरूपम होगा। ठीक है, अनु आपका उपसर्ग अव्यय होता है। पितरों में होगा आपका माता च पिता च, और पितरों को माता पिता भी बोला जा सकता है, कि माता पिता का समास विग्रह क्या होगा? तो माता पिता का समास विग्रह भी माता च पिता च होगा। ठीक है, सच क्रम तो अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास का उदाहरण इसमें अग्निदग्ध होगा, हरिहरों का बनेगा हरिश्च हरश्च, दशानन का बनेगा बहुव्रीहि समास। ठीक है, कर्मधारय का एग्जाम्पल है आपका कृष्ण सर्प, अनुरूपम का समास विग्रह बनेगा रूपस्योगम, द्वंद्व समास का एग्जाम्पल होगा आपका पितरो होगा, चोर भयम में पंचमी तत्पुरुष समास है, दीन दानम में चतुर्थी तत्पुरुष समास है आपका, विद्यालय इत्यस्मिन पदे समास तो विद्याय आलय। ठीक है, राम लक्ष्मण इत्यादि पदे समास, तो इसमें आपका राम लक्ष्मण में होगा द्वंद्व समास होगा, राम लक्ष्मण में द्वंद्व समास होगा। उसके बाद कार्य कुशल में होगा आपका सप्तमी तत्पुरुष समास। ठीक है, उसके बाद द्विगु समास का एग्जाम्पल, तो द्विगु समास का उदाहरण होगा आपका त्रिभुवनम, रूपस्य योग्यम का बनेगा अनुरूपम, द्विगु समास उदाहरण दशानन,
दीर्घ समास का एग्जाम्पल जो होगा नास्ति, दीर्घ समास का एग्जाम्पल नहीं है, नास्ति में दर्शन न आएगा। दोस्तों इसका ध्यान रखना, जब भी नास्ति बोला जाए और समास की बात होगी दीर्घ समास की, तो यहाँ दर्शनन ही होगा, क्योंकि दश आनंद रावण को कहा जाता है और दर्शनन जहाँ संख्यात्मक बात होती है वहाँ आपका दीर्घ समास होता है, परंतु यहाँ दर्शनन होते हुए भी एक अपवाद है आपका कुल मिला के। ठीक है, महात्मा में आपका होगा कर्मधारय समास, परोपकार का समास विग्रह होगा परेशाम उपकार, और तत्पुरुष समास का उदाहरण हम चोर ब्रह्म, पीताम्बर एग्जाम्पल जो होगा वो बहुव्रीहि समास का होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये संधि के बताए मैंने, दूसरा आपको समास का बताया। नेक्स्ट अपन देखते हैं समास के बाद प्रत्यय के आ जाते हैं। तो प्रत्यय में पहला पूछा गया प्रत्यय, प्रत्यय से कितने नंबर के एग्जाम पूछे जाते हैं, तो प्रत्यय से शायद तक चार नंबर के पूछे जाते हैं, समास से तीन नंबर के ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, प्रत्यय से चार नंबर के पूछे जाते हैं आई थिंक। ठीक है, आइए देखते हैं। तो इसमें पहला पूछा जाता है कक्त प्रत्यय का उदाहरण, तो पठित होगा, लघुत्वम का होगा त्व, सेवमान का होगा शानच, और धर्म प्लस ठीक का होगा धार्मिक, पठन में होगा आपका शानच प्रत्यय होगा, न आया है सेवमान, सॉरी पठन में आपका प्रत्यय होगा शत्र, पट प्लस कक्तव तू बन जाएगा आपका, पट प्लस कक्तव तू बन जाएगा पठितवान, ल्यप का बन जाएगा आदय, ल्यप का आदय प्रत्यय होगा, गुणिन का होगा आपका इन। ठीक है, कत्वा का होगा आपका नित्वा, गुणवान में होगा मतुप, क्रीडत्वा में होगा आपका कत्वा, सर्व प्लस तरल इत्यस्मिन पदे, तो सर्व प्लस तरल का बन जाएगा सर्वत्र, बालिका का बनेगा टाप, क्योंकि ये आपका तदितांत में आ जाता है, स्त्री प्रत्यय में आ जाता है, कक्तवतु का बनेगा पठितवान, कक्तवतु प्रत्यय से उदाहरण अस्ति तो लिखितवान बनेगा, बाल प्लस टाप बनेगा आपका बाला स वाला, जेतुम प्रत्यय अस्ति तो जेतुम प्रत्यय आपका जेतुम में तुमुन प्रत्यय है, अहम विद्यालय में गत्वा पठामि इत्यस्मिन् कृदन्तम्, तो इसमें गत्वा होगा आपका। उसके बाद शत्र प्रत्यय से उदाहरणम अस्ति तो शत्र का एग्जाम्पल होगा हसीनम, टाप प्रत्यय से उदाहरणम अस्ति तो इसका एग्जाम्पल होगा आपका अजा। इस प्रकार से 20 ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं तो आपके प्रत्यय कवर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, प्रत्यय के बाद अगली बात करते अपन, अवयव से पूछा जाएगा आपका, प्रत्यय के बाद अगली बात करते अपन, अवयव से आपके एग्जाम्पल पूछे जाएंगे, सॉरी अवयव से ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, दो नंबर के अवयव से ऑब्जेक्टिव आते हैं मेरे ख्याल से, दो नंबर के पूछे जाएंगे। तो अहम आपणम गच्छामि अस्मिन् वाक्ये अवयव अस्ति तो इसमें अपि अवयव होगा, उसके बाद एव अवयव का उचित प्रयोग तो ये तो नहीं पूछा जाता है आपसे, त्वम कदा गृहम आपके स्थिति में अवयव पद है तो इसमें अवयव पद होगा आपका कदा, अद्य अवयव का हिंदी नहीं पूछा जाता है, अवयव नास्ति तो इसमें पुत्र अवयव नहीं होगा, विद्या माता इव रक्षति तो इसमें आपका इव प्रत्यय अवयव होगा, मन जागृत कुत्र उद्यति इसमें कुत्र आपका अवयव होगा, अधिलिखितेषु अवयव नास्ति, प्रात तथा यथा तो अस्तु इसमें अवयव नहीं है, स दिव्य क्रीड़ा तत्र गच्छति तो इसमें तत्र आपका अवयव होगा, अधिलिखितेषु अवयव नास्ति तो इसमें बालक का अवयव नहीं है, सदाचार एवं परमो धर्म अस्मिन् वाक्ये तो एव इसमें क्या हो आपका अवयव है। अगर ये 11 आप अवयव से देख लेते हो तो आपके क्लियर हो जाएंगे एग्जाम में। चलिए अवयव के बाद अपन उपसर्ग की बात करते हैं, उपसर्ग से ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे आपके। ठीक है, अगला बता रहा हूँ मैं आपको, उपसर्ग से रिलेटिव ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ, तो उपसर्ग से रिलेटिव भी मेरे ख्याल से दो नंबर के ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा जाएगा प्राचार्य इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति तो इसमें प्र होगा, अधुलिखितेषु उपसर्ग नास्ति तो दूर उपसर्ग सॉरी विचल आपका उपसर्ग नहीं होता, अधुलिखितेषु उपसर्ग अस्ति तो इसमें उपसर्ग होगा आपका प्र, प्रतिवाद इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति तो इसमें होगा आपका प्रति, अधुलिखितेषु उपसर्ग नास्ति तो इसमें उपसर्ग नहीं होगा आपका अस्ति, अधिकार इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति तो इसमें उपसर्ग होगा अधि, अधुलिखितेषु उपसर्ग नास्ति तो इसमें आपका अस उपसर्ग नहीं होता है, अधुलिखितेषु उपसर्ग अस्ति तो इसमें प्रति उपसर्ग होता है, निर्धन इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति तो निर होगा, अधुलिखितेषु उपसर्ग नास्ति धरा उपसर्ग नहीं होता है, और अगला वाला 11 पूछा गया है अधुलिखितेषु उपसर्ग अस्ति तो इसमें आपका उपसर्ग जो होगा वो होगा सम। ठीक है दोस्तों, तो इसमें मैंने आपको 5 टाइप के ऑब्जेक्टिव पढ़ाए, संधि समास प्रत्यय अवयव और उपसर्ग। ठीक है दोस्तों, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे यूट्यूब चैनल श्री साईं कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद।